बिसम असल पाकिस्तान मैं वैदर मैदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजी पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट्स आपके क्रिटिसिजम आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया मेरी आप लोग मेरी सेहत का देखते हैं कहते जी आपके कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं या कभी खाँसते हैं कुछ थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी वैसे नींद भी पूरी नहीं हो रही लेकिन अलहमदुल्लह अलहमदुल्ल बिल्कुल खैरियत हूँ थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपकी आपके प्यार आपकी मोहब्बत आपके, आपके दुआओं का और जो लोग मुझे चाहते हैं कि मैं ना रहूं उनके लिए भी दुआएं हैं अच्छा जनाब ये आज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक बात करनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है इसलिए कि मैं हर वीलॉग को मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसमें के अंदर कोई एक ऐसी बात होती है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमें बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ये सारी जंग है इसका अगर कॉन्टेक्स्ट हमें पता चल जाए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है तो हम फिर बड़ा आसान होता है हमें बाकी सारे जो ये मोरे जो एक्शन है वो ये क्यों कर रहे हैं फौज ये क्यों कर रही है अदलिया ये क्यों कर रहा है राना ये क्यों कह रहा है काजी फायजी साहब यू कर रहा है अतरम्ला क्यों कर रहा है यू नो ऐसे इमरान ये क्यों कह रहा है क्या मतलब है रू? ये हमें चीजें नजर अपने अपनी जगह पर अः पड़े उसको डाल सकते हैं और फिर हमें समझ आती थी पूरी मुजह पूरा जो पिक्चर है वो क्या है तो ये थोड़ी सी जो तमीज ने बांधी थी इसलिए जरूर है लेकिन सबसे पहले हमने बड़े अरसे अरशद शरीफ साहब की बात नहीं की अरशद शरीफ का जो मामला है ना जी वो मैं तो सिर्फ इस जो एक मैंने ग्राफिक बनाई है ना मेरी नजर में ये सबसे बड़ा आ, इसके पूरी केस की अक्का करता है कि ये कमर जावेद बाजवा से लेकर जाता है अरशद शरीफ की शहादत और उनके कत्ल तक जो चीज हमें नहीं पता वो हमें अभी तक नहीं पता जो कि पता चले कि जब कोई जुडिशियल कमीशन बनेगा और जो के अभी हम सुनने में आ रहा है कि एक जुडिशियल कमीशन बना रही है सुप्रीम कोर्ट इसलिए के जो बाकी जो उन्होंने ये कमीशन एक बनाया था वो काम नहीं कर रही वो हमें नहीं पता चल रहा कि बाजवा ने कब हुक्म दिया नदीम अंजुम को और उसने फिर फैसल नसीर को दिया और उसने आगे अपने सेक्टर कमांडर्स को दिया कराची वाले जो थे उसने फिर सेक्टर कमांडर ने अब हमारे पास खबर ये पता है हमें कि जो बहादुर था एस एस वो हमें पता है कि उसने एस, ए, जो मेमन गोट है जो आप नीचे देख रहे हैं दो वो एस एच मेमन गोट वो हमें शवाहद पता है एस एच एसएचओ मेमन गोट को कहा कि तुम आईएसआई के दफ्तर जाओ वो आईएसआई के दफ्तर गया आईएसआई के दफ्तर में उसको कहा गया कि भाई तुमने ये उसके खिलाफ सडिशन का केस बगावत का केस दायर करना है उसने कहा जी उसके लिए तो हमें कूमत की मंजूरी लेनी पड़ती है तो ऐसे जो मेमन गोड को कहा कि तुम फिक्र ना करो या ऐसा ही आई का अफसर कह रहे वो हम ले देंगे ये जिस दिन हुआ है उसके अगले दिन अरशद शरीफ जो है मुल्क छोड़ के चले गए इसके पैरल जो बात हो रही है कि यूसुफ खोकर जो सेक्रेटरी इंटीरियर है उसने भी ऐलान कर दिया इजाजत दे दी कि जी आप इसके खिलाफ सडीशन के केस दायर करें और सोलह एफ दायर हुई मुख्तल जगहों पर उसका भी अभी तक नहीं पता कि जो दायर करने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाता है वो आते ही नहीं है मेरा ख्याल है मुश्किल से ऐसे सात या नौ आए बाकियों का पता है सारे आई एस आई ने ये करवाया एक ये हो गया फिर सिटी मैजिस्ट्रेट जो है आपका इस्लामाबाद का चांडियो जो पीपल्स पार्टी का आदमी है उसने कह दिया जी के ये इनके खिलाफ जो है ना ये सडिशन का केस हो जाए अरशद को वहां से भगाया गया वो बेचारे डर के बाहर आ गए दुबई दुबई से उसको हुकूमत की दुबई की हुकूमत ने कहा आप यहाँ से चल, चले जाए वो यहाँ से बेचारा छोड़ के कीनिया चला गया अला उसके वीजा में 20 दिन बाकी थे और ये जो दो अल्लाह इनको गर्क करे आ, नदी मंजुम और इफ्तार बाबर ये दो आए कौम के सामने उस दिन आए इनको शर्म भी नहीं आई इतने बेगैरत बेहुदा बेशर्म बेजमीर पता नहीं किस किस्म की की तरबियत है कैसे इनके माँ बाप थे उस दिन आए जिस दिन उसका जनाजा था और आके पूरे कौम के सामने झूठ बोला और वहां जो इनका सबक वजीर आजम इनका जो बॉस था उसके अः मुतालिक इतने इन्होंने बकी और ये उन्होंने कहा कि जी हमारा तो कोई है ही नहीं ताल्लुक उसके पास तो बिल्कुल इजाजत नहीं थी यहाँ से किसी ने डराया ना उसको दुबई से किसी ने कहा है उसका तो वीजा खत्म हो गया था अब वो जहाँ बेचारा जनाब जाता है शहीद हो जाता है फहीम रजा इन दोनों भाइयों को कहता है कि तुमने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम पहले की गई है उनको कोई तुमने नहीं देनी वीडियो जब तक मैं तुम्हें नहीं अप्रूव करता और उसके बाद ये केस जो है ये ठप हो गया ठीक है जी यहां पर हमने देख लिया कि अर्शिद शरीफ का केस के आगे कोई डेवलपमेंट हुई इन्होंने जो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उसकी रिपोर्ट को उन्होंने फारिग कर दिया उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता एक एक और इन्होंने कमीशन बनाई है वो लो गए, वो लोग गए गए इन भाइयों को फोन तक नहीं किया ये जो खुरम और दूसरा है कि भाई तुम कहाँ हो कैसे हो ये क्या हुआ ना उन्होंने गाड़ी जाके इंस्पेक्ट की पता नहीं क्या करके आई और कीनिया की हुकूमत ने कह दिया कि जी ये जो है ना बस ये हो गया हमें और उन्होंने इसको अपना रैप करके ना उनको फारिग कर दिया जिस तरह हमारी आई एस आई कर दी ये केस जो है ना जी ये पाकिस्तान की फ्यूचर बताएगा इसलिए इसके अंदर डायरेक्ट कत्ल का हुक्म जो है वो कमर जावेद भाजवा ने दिया इसके अंदर डायरेक्ट हमें सरकमस्टांशल एविडेंस दिया, दिया जाता है वो तस्नीम हैदर कहता है कि उसने वीडियो देखिए तस्नीम हैदर को कहा था कि तुम इसको कत्ल करने के लिए बंदा पैदा करो तस्नीम हैदर कहता है कि मुझे डायरेक्ट मरियम नासिर बट इन्होंने कहा था इसको पैसा वो कहता है इधर से गया तो ये नवाज को भी सजाए मौत है इसके अंदर मरियम को भी सजाए मौत है नासिर बट को भी इसमें सजाए मौत है बाजवे को भी सजाए मौत है नदी मंजुम को भी है फैसल नसीर को भी है और फहिम रजा को भी है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके हुक्म पे तो एक तो ये तो हमने हमसे दुआ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए और इसको खत्म ना होने बहुत दुआ रिक्वेस्ट है आपसे अच्छा जी अब आ जाए आज के मौजूदा हालात हैं मैंने एक आ, प्रोग्राम किया था उनके साथ एस आर के साथ जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये हमारा जो इंतजामी ढांचा है जो निज़ाम है ये चलता कैसे इसके लिए मैंने ना आप के लिए ये एक स्लाइड इसको बहुत गौर से देखें छोटी सी स्लाइड है समझ आ जाएगी ये मैंने सारा हम जो हमारा कानून है हमारा जो आइन है वहां से मैंने लेके ये स्लाइड बनाई सबसे ऊपर जी आप देखते हैं वो कहती है कि जी हाकमियत अल्लाह सुबहान तला की है पूरी हाकमियत इस कायनात की है और जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं पाकिस्तान उसकी भी हाकमियत अल्लाह असमान तला के हमारा आयन भी कहता है आइन कहता है कि जी ये जो हाकमियत है ना ये पाकिस्तान की आवाम को एक ट्रस्ट एक एतमाद के तौर पर अल्लाह अला की तरफ से मिला हुआ है ये नीचे आप अवाम देख रहे हैं जिनको ये एतमाद और ट्रस्ट मिला है ये जो अवाम है ना जी ये इसके नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान का आइन इस कानून के तहत इस आइन के तहत वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको कहते हैं जी आजादाना और मुनसफाना इंतबात के जरिए वो चुनाव करते हैं अपने उन लोगों का जो उनके लिए फिर निजाम हकूमत चलाएंगे या आगे जी दूसरी लाल जो आपने लाइन देखी उसके नीचे जी एक लाइन है जिसके अंदर तीन चीजें लिखी हुई है गवर्नमेंट हुकूमत पार्लियामेंट पार्लियम जुडिशरी अदरिया ये जी तीन सतून है पाकिस्तान इंतजाम के पाकिस्तान के निजाम के ये तीन सतून है ये बनते कैसे हैं जब आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं आजादाना और मुनसफाना इलेक्शन होते हैं और लोग अपनी मंशा का इजहार करते हैं अपने नुमाइंदों को इंतखब करते हैं चुनते हैं उससे पार्लियामेंट बनती है पार्लियामेंट से बनती है, जिसको हम कहते है और उसके साथ नीचे निजाम चलाने के लिए उनके पास सिविल सर्वेंट्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी होती है उनके पास जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं चाहे पुलिस हो रेंजर हो एफ आई हो आई बी हो पलाना धमाका सब कुछ फिर उसके नीचे फौज काला बक्सा बताऊंगा इसको काला बक्सा क्यों कहता हूं और उसके नीचे बाकी जितने हुकूमती इदारे हैं जो इंतजाम को चलाने के लिए होते हैं यह आपका हुकूमत का सतून है बीच में आपके पार्लिमान का सतून है पार्लिमान क्या होती है पार्लिमान का मतलब आपकी नेशनल असम्बली आपकी सेनेट आपकी सूबाई असम्बलियां और आपकी गिल गिल बस्तिसान की असम्बलियां इसमें आजाद जम्मू कश्मीर की नहीं आती तीसरा सतून क्या है आपकी अधरिया आपकी जुडिशरी उसके ऊपर सबसे बड़ा कौन है आपके सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे आपके हाई कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे आपके लोअर जुडिशरी लोअर कोर्ट जो कहते हैं और बाकी जो आपके कोर्ट्स हैं कोर्ट हो, गया, नैब कोर्ट हो गया फलाना कोर्ट हो गया बैंकिंग कोर्ट हो गया मुख्तलिफ किस्म की कोर्ट ये जी आपका ना अगर आप इसको समझ जाए ना एक दफा तो आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे सुप्रीम पावर सबसे आला पावर अला ताला की उसके बाद अवाम और आवाम को जो ताकत दी गई है वो आइन के जरिए वो अपने लोगों को मुंतखब करके इस हुकूमत का निजाम चलाता है अब मैंने ये दो जो आइने पाकिस्तान और इलेक्शन को लाल क्यों किया और सुप्रीम कोर्ट को लाल क्यों किया वो इसलिए लाल क्यों किया है कि जंग ये हो रही है जंग हो रही है कि आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा जंग ये हो रही है कि आजादाना और मुनसफाना इलेक्शन पाकिस्तान में कराने को रोक रहे हैं या उनको होने दे रहे हैं जंग इस बात की है जंग इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि आईने पाकिस्तान का दिफा करता है और जो के आइने पाकिस्तान को रायज होने के लिए फैसले करता है वो ये फैसले कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो उसके खिलाफ कौन है अब ये आपको तीन लाल बक्से समझ आ गए अब आप आ जाए काले बक्से में सारी फसाद की जड़ ये काला बक्सा है फौज और आप देखें ये कितने नीचे है इसका कोई काम नहीं ये अपने आप को नौ जुबेला नौ जुबेला सुबह तला के हक में अच्छे भी ऊपर रखता है ये जो फौज का, का बक्सा है ये अपने आप को लोगों से भी ऊपर रखता है ये अपने आप को आयन से भी ऊपर रखता है ये अपने आप को जो लोगों की मंशा है आजादाना मुसफाना इलेक्शन से यह उनसे भी ऊपर रखता है ये अपने आप को हुकूमत से भी ऊपर रखता है पार्लियामेंट से भी ऊपर रखता है ये जुडिशरी से भी ऊपर रखता है ये छोटे से पिद्दे काला बक्सा जिसने सिर्फ मुल्क का दिफा करना है इसने नौजुबे नौज बिल्ला अल्लाह तआला की हाकमियत का, इसने खौल ओवर ले लिया ये है सारी फसाद और जड़ उसने अपने साथ किसको मिला लिया उसने अपने साथ मिला लिया है एक ऐसे बिच्छू नुमा ये बिच्छू नुमा है कैप्चर। उसने अपने साथ मिला लिया ब्यूरोक्रेसी को उसने ये जुडिशरी को मिला लिया है उसने अपने साथ ये कारोबारियों को मिला लिया मीडिया को मिला लिया है मनवियों को मिला लिया है करप जो ये मिल गए ना जी ये है जी आपको अगर ये समझ आ जाए ना कि ये इनका ये और ये अपना होल्ड किस तरह मुल्क पे करते हैं आईएसआई के थ्रू इन्होंने मुल्क के पूरे इधारों में जितने इंतजामी इधारे हैं उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया अच्छा जी उम्मीद है आपको ये जरा पिक्चर अब समझ आ गई होगी ठीक है ना कि हमारी जंग सारी की सारी जंग जो है वो आयन की बालादस्ती की है लोगों की मंशा के वो आजादाना इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहे हैं कि भाई ये आयन कहता है नब्बे इलेक्शन होने हैं आप नब्बे इलेक्शन कराएं और जनाब इनको कौन कह रहा है कि मत हो ये साहब सारे फसाद की जड़ ये बंदा है और इसके साथ जो ये डकैत बैठा है इसके मुतालिक किसी ने कहा कि इसको आसम को कहा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है इसको किसी ने कहा कि भाई ये जो आप हैं ये इसके साथ जो आपकी पिक्चर है ये बड़ी अफसोसनाक है लोग बड़ी इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं कि कोई फिक्र नहीं ये बंदे ने मेरे साथ बड़ा साथ दिया और मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती और इतना अव्वल नंबर का ये बदमाश है ये ये अच्छा आदमी नहीं है मोहसिन बेग और ये इस आदमी का सट वाला आदमी है ठीक है सबसे पीछे फसाद की जड़ हादसे में है और ये मैं बताऊंगा क्यों है सारा गंद करने वाला आदमी है जिसने इब्तदा की अप्रैल 2022 में और इसके शक्कर के ऊपर फिटकार देखें कैसी बरस रही है अब आजकल जाके ये दुबई में फिरता है इसके साथ जिस बंदे ने सबसे ज्यादा बर्बरीत की जिसने सबसे ज्यादा तबाही की जिसने सबसे ज्यादा टॉर्चर करवाया लोगों को उठवाया लोगों को रात को गायब करवाया फिजिकली अब्यूज कराया स्वाति साहब को गिल को जर्नलिस्ट को अर्शर को कत्ल करा ये आदमी और उसके हुक्म को तामील लाने के लिए ये आदमी फैसल नसीर और अब इनका जो जंग ये करना चाह रहे हैं इस जंग के लिए इन्होंने इस आदमी को चुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो कि आइन के लिए जंग लड़ रहा है ये उसके अंदर फतूर डाले उसके अंदर कीड़े डाले उसके अंदर जहर डाले उसको तफरीक करे कि ये जो चोर चके डकैत हैं, ये काबू रहे और ये कौन है चोर चके डकैत ये इनकी शक्लें हैं जी ये लोग हैं जी जिन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा किया वह है फौज के साथ मिलकर और कारोबारियों के साथ इनके खिलाफ कौन जंग कर रहे हैं ये आदमी आप सोचें एक तरफ ये आदमी इसके साथ पाकिस्तान की आवाम उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो दलेर जज हैं जो बड़े प्रेशर में नहीं है वो जंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ किनके खिलाफ इन लोगों के खिलाफ इन लोगों के खिलाफ जंग हो रही है आप सोचें इन लोगों के खिलाफ जंग हो रही है इन लोगों के खिलाफ इन लोगों के खिलाफ इन लोगों के खिलाफ अब आपको समझ आ गई जी पाकिस्तान का आपको समझ आ गया कैसे ये सिस्टम चलता है आपको समझ आ गई कि एक तरफ कौन है एक तरफ फौज फौज के साथ करप्ट पॉलिटिशियन उनके साथ करप्ट जुडिशरी जो बिक चुकी है जो ज, जो उनके अंदर में से बिक चुकी है कुछ अकड़ गए खड़े हो गए करप्ट पुलिस वाले करप्ट ईसीपी वो मुझे आ, वो क्या के नाम है उनका और अमर गोल कहते हैं कि सुल्तान राजा कहते हैं जी आपको तो पता है आपने भी नौकरी की इतना प्रेशर आपको पता है बड़ा प्रेशर आता है ओ यार नर के बचे अगर तुझे इतना प्रेशर रिजाइन कर घर जाके जी मैं नहीं करना चाहता रिजाइन भी नहीं करना एनी anyway, वेज तो जनाब ये ये आपकी जंग है पाकिस्तानियों ये समझो ये अगर आप लोगों ने आज अपनी ये जंग हार ली और अगर आप समझते हैं कि आपने अपनी मंशा नहीं मनवानी और आइन आपने नहीं बचाया और आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा ये काला बक्सा फौज जो है जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है वो इस मुल्क को कभी भी तरक्की कर नहीं देगा ये आपको चीज एक जैन नशीन कर ली ये जितने मर्जी बाने करे बंदयाल को रिजाइन कराओ ये जी थ्री टू का नहीं था ये फोर थ्री था वो कम बखत मैं माजरत चाहता हूं लेकिन वाकई उस आदमी को गरक करे उस आदमी ने अपना जो शॉर्ट नोट लिखा था वो सताइस फरवरी तक की जो थी बल्कि चौबीस फरवरी को वो निकला है कोर्ट से धनिया कोर्ट बना सत्ताईस फरवरी को उसने शॉर्ट नोट अपना दायर किया ये जो पच्चीस पेज का वो अपना उसने फैसला इशू किया है उसकी हद सिर्फ थी सत्ताईस फरवरी तक इसलिए सत्ताईस फरवरी तक उसका शॉर्ट नोट था उस शॉर्ट नोट को उसने बड़ा करके पच्चीस पेजों में लिखकर देना था उस बंदे ने सत्ताईस फरवरी के बाद जितनी बातें हुई हैं जिसका उसका कोई हक नहीं है उसके ऊपर भी उसने अपने ये जो इजाफी नोट है पच्चीस का उसने उसके अंदर अप्रैल की जितनी कार्रवाई थी ना और आ, सु, आ, सुप्रीम कोर्ट के पांच मेंबर बेंच की जितनी कार्रवाई थी जिसका वो हिस्सा नहीं था वो वो भी ले आया आप इस आदमी की बेशर्मी इसकी बेहयाई इसकी बेकायदगी इसकी बेजमीरी इसके कानून का जज होते हुए सुप्रीम कोर्ट का खुद अपने कानून की धजिया अपने सारे की धजिया उड़ा रहा है कि आपको बताया गया जी पर्चा आएगा सिर्फ जो है ना चैप्टर दस तक तो आपने ने और आप जो टीचर है ना आपने चैप्टर दस से लेकर बीस तक के ऊपर भी इम्तिहान पर्चा बना दिया और लोगों ने चीख मारी कि क्यों आपने तो कहा था दस कहता है मेरी मर्जी और तुमने तो चौबीस फरवरी तक थे तुमने उस बेसिस पे अपना शॉर्ट नोट किया तुम चौबीस फरवरी तक अपना पच्चीस पेज का फैसला करो किसी ने कहा कि जी, पर पेज इनको पैसे मिलते हैं शायद पर पेज इसको दस लाख मिले हैं तो पता नहीं इसको दस लाख मल्टीप्लाइड बाय पच्चीस तो इसको ढाई करोड़ रुपया मिल गया ये बड़ा फजूल आदमी है बहुत ही आ, ये अभी मैं क्या कहूं जी ये ये अच्छा आदमी नहीं है ठीक है ना जी और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैकमेल की चीजें हैं फौज के पास और ये उनके दबाव में आके क्या अब बताएं जी ये है जी हमारे सामने पाकिस्तान ये अभी जंग अगर हमने नहीं लड़ी और हमने इस काले बक्से को काबू नहीं किया और इसके साथ जो इन्होंने ये बिच्छू नुमा सियासतदान है इनको हमने काबू नहीं किया इनको हमने ठिकाने नहीं लगाया इनको आखिरी बार इनको अगर हमने कैफर किरदार नहीं पहुंचाया ये पाकिस्तान को तरक्की नहीं होने देंगे ये मैं आपको बहुत सीरियसली बता रहा हूं इस बात को एक दफा फिर नशीन करें ये पाकिस्तान है आपका अल्लाह की हकमियत है उन्होंने हमें इतम दिया है हमने इस कानून के तहत आइन के तहत हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने उसके तहत तीन ये सुतून है हुकूमत के हکومت पार्लियामेंट जुडिशियरी ये है फौज नीचे काले बक्सा हुकूमत के आगे अपने आप को सबसे बड़ा कहते हैं। लोग कहते हैं जी ये इनको बहुत टाइम लगेगा निकालने में कैसे टाइम लगेगा निकालने आप खत्म आप जाएं अपना काम करें इनको करने दें सुप्रीम कोर्ट को करने दें मत सपोर्ट करें डाकू लुटेरों को मत सपोर्ट करें शबाश शरीफ को आप समझते हैं आपकी सपोर्ट अगर हटी वो एक घंटा भी रह सकता नहीं रह सकते। मुनीर को मैं बार बार कहता हूं कि इसके दिमाग में एक फतूर है इमरान के ये या ये कर लोगों को कहता है कि वो जी जाइनिस्ट एजेंट है कि उसका एजेंडा चले इसलिए कि उसने नवाज शरीफ और मरियम को कमिटमेंट्स दी हुई है वो फतूर अगर है उसको निकाले वरना मैं आपको बता रहा हूं ये फौज उसके खिलाफ बगावत कर देगी मैं खुल के बात कर रहा हूं मुझ पास बहुत खबरें आती हैं वो बगावत कर देगी अगर उसके खिलाफ बगावत हुई और ये ऐसे हालात उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ये नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में बड़े लोग कह रहे हैं जी उन्होंने नहीं कहा मैं बिल्कुल इस आदमी पे भरोसा नहीं करता ये डिसीवर है ये धोखा देने वाला है ये मेजर था इसके सारे कोर्स धोखा देने वाला है मैं बिल्कुल इस आदमी को नहीं ट्रस्ट करता ये कुछ और गेम कर रहा होगा ये ईद का भी इंतजार कर रहे हैं मेरे पास एक और खबर भी है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की लिस्ट बन गई है ये पैसे का इंतजार कर रही समझ गए पैसा आएगा मईत संभल जाएगी लोग भूल जाएंगे फिर वो जी, जी राज करेगी काले बक्से की राज, राज करेगी खल के खुदा ये खल के खुदा राज करेगी ये तेरी राज नहीं होगी डेरिया डकनिया नहीं होगी हम चाहते हैं हमारी फौज ताकतवर हो हम चाहते हैं हमारी फौज मुल्क का दिफा करे लेकिन हमें करप्ट जनरल नहीं चाहिए मैं फाइनल रिक्वेस्ट एक दफा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं बार बार करता हूं मैं इसके 27 लेफ्टिनेंट जनरल इसके डेढ़ सौ मेजर जनरल इसके हजार तकरीबन ब्रिगेडियर फुल कर्नल इसके पच्चीस तीस हजार लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर कप्तान इसके तकरीबन लाख जवान मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप इस 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 आर्मी चीफ को पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलने की इजाजत देंगे आप चाहेंगे चंदीस चालीस पचास सौ जर्नैल और इनके साथ ये तीन सौ चार सौ करप सियासतदान और इनके साथ ये सौ डेढ़ सौ तीन सौ करप्ट कारोबारी और इनके साथ ये कुछ ब्यूरोसी के कुछ जुडिशरी के कुछ पुलिस के ये हजार पंद्रह सौ लोग ये इस मुल्क पर कब्जा रखे इसके सारे वसायल पर कब्जा रखे कि आप लोगों के बच्चे भूखे मरे आप लोगों के बच्चों को तीन वक्त की अच्छी रोटी ना मिले आप लोगों को बच्चों को अच्छा तालीम ना मिले अच्छे स्कूल ना मिले कपड़े ना पहनने के मिले अच्छे जूते पहनने के लिए ना मिले आपको साफ पानी ना मिले आपको सस्ती बिजली पानी गैस ना मिले आप ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि कोई नौकरियां ना हो कोई इनके पास कोई हुनर ना हो आप चाहते हैं कि ये अहतसादी निजाम ये चलता रहे कि अमीर अमीर तरीन होता जाए और गरीब गरीब तरीन और कोई उसको पूछने वाला आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ ना हो किसी बड़े की पकड़ पकड़ ना हो अगर आप चाहते हैं तो असर झुका के फिर आप चले फिर आपकी औलाद और उनकी आने वाली औलाद इतनी गालियां देगी आप लोगों को कि दादा पर दादे पर, पर दादी क्या छोड़ के गए हो पाकिस्तान हमारे लिए मैं आपसे पूछता हूं ये ना ये गैर कानूनी आर्मी चीफ है ये दो दिन पहले रिटायर हो चुका है इसको गैर कानूनी तौर पर एक गैर आइनी वजीर आजम ने बनाया मैं बगावत की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसके सताइस जर्नैलों को कह रहा हूँ कि कोई अकल करो कोई खौफ करो चलो दो तीन बिके हुए होंगे बिका हुआ है वो भी बिका हुआ है कराची वाला उसकी पता नहीं औलाद उसको क्या कहती होगी उसकी बीविया क्या कहती होंगी उसके भाई बहन उसको क्या कहते होंगे इन लोगों के या उनके मुंह में भी इतनी हराम की सुअर घुसा हुए की उनको भी दिमाग में सुअर चढ़ा हुए उनको भी नहीं को अकल के ये हमारे मियाँ जो है या बाप हमारा या हमारा भाई या हमारा दादा क्या कर रहे है मैं तो आसिफ गफूर से पूछता हूँ तूने कहा था रियासत सबसे बजीम है रियासत फौज से भी बड़ी है रियासत चीफ से भी ऊपर है वो तो किधर है तेरी रियासत क्यों नहीं तो आके इस आदमी को रोकता शायद इम्तियाज से पूछता हूँ जो बड़ा जबरदस्त है जी कोर कमांडर टेन कोर का क्यों नहीं रोकता सी जी एस है जी ब्रिलियंट है जी बड़ा जबरदस्त है जी क्यों नहीं रोकता है तो उसको आसिम मलिक है जी बड़े जबरदस्त बाप का बेटा है जी जीए मलिक का बेटा है क्यों नहीं रोकते हो तुम इसको वो सलीम जिया का बेटा है वो MS लगा है क्यों नहीं तुम इसको रोकते हो बाकी जो कोर कमांडर हैं लाहौर के हैं जो आ, मंगला के हैं क्यों नहीं रोकते हो तुम लोग इस आदमी को क्यों इस आदमी को इस पाकिस्तान को एक आग में धकेल रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने दे हकूमत आने दे ये इमरान बहुत बड़े दिल का आदमी है इसने कोई इंतकाम नहीं लेना मैं वजीर आजम होता मैं तो कोई सौ बंदा लटका देता लेकिन मैं नई वजीर एजम ना बनूंगा ना मुझे कोई शौक है ये बंदा सूफी है ये इंतकाम नहीं करेगा ये बड़े खुले दिल का ये सबको माफ करेगा ये पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता है लेकिन रिफॉर्म बहुत जरूरत है तो नाजिम आई होप आपको यह आज समझ पूरी एक कम्प्लीट पिक्चर समझ आ गई कि क्यों ये मरियम औरंगजेब खुदकती है क्यों ये मरियम बड़ी ढकनी कहती है कर लो जो करना है क्यों ये नवाज शरीफ कहते हैं रिजाइन करे बंदयाल क्यों ये रेजोल्यूशन पास करवाते हैं खुद डर के साइन नहीं करते कुछ और कराते हैं क्यों राना सनावला कहते हैं फितना क्यों ये मरियम क... ये सारे फरसूदा गंदे बदबूदार गटर के साठ सत्तर साल का गलीस गटर के ये क्यों है इनको आपने साफ करके निकालना है और एक नया पाकिस्तान बनाना असमान तला आप सबको अपने जुबान में रखे पाकिस्तान को अपने जुबान में रखे आपके अहलोयाल को आपके प्यारों को जुबान में रखे इन शह अगली में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दी अलगू खुदाफ़ि